गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपको पता है कि आपका सीएससी से टीडीएस कटता है, चाहे वो सीएससी से काम करे या बाहर से काम करे, तो आपका टीडीएस ज़रूर कटेगा। तो टीडीएस फाइल करने के लिए आप सीएससी का यूज़ कर सकते हैं कि अपने आपका जो भी जितना भी टीडीएस कटा है वो उसको आपने कैसे क्लेम करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि बॉलेट की समरी पे जाके, जो सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, इस पर क्लिक करके आपने क्या करना है कि नॉन योर टीडीएस पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइल योर आईटीआर रिटर्न आर 99 रुपीज़ का बता रहा है। ये आपका 62 रुपीज़ आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। 62 में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड, अगर दोबारा लॉगिन करेंगे आप, जो आपका सीएससी आईडी पासवर्ड है, लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले पैन डिटेल फिल करेंगे, अपनी आधार नंबर भरेंगे आप, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपका नेम, और आपका नेम बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेगा जब आप ये पैन नंबर डालेंगे। तो उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना अपने, और अपना बीएलई मोबाइल नंबर भी आपका सेम रहेगा और कस्टमर मोबाइल नंबर भी सेम रहेगा। मेल आईडी और इनकम टैक्स पासवर्ड ये खाली छोड़ देना आपने। उसके बाद यूज़र टाइप में बीएलई रखना आपने, यूज़र सिटीजन में इसको ब्लैंक छोड़ना है, यूज़र टाइप बीएलई रहेगा। उसका पिन कोड, एड्रेस आपका जो रहेगा वो डाल दिया, एड्रेस आधा एड्रेस यहाँ फिल करना, कुछ एक एड्रेस आपने यहाँ फिल करना है। आईएफएससी कोड जो बैंक आप दे रहे हैं, जिसमें आपका जो जिसमें आप चाह रहे हैं कि मेरा इनकम टैक्स इस वाले अकाउंट में आए, टीडीएस जो कटा इस अकाउंट में है, तो वो अकाउंट आपने यहाँ पे लगा देना और उसको यहाँ पे टिक लगा देना, मेन अकाउंट कर देना उसको। उसके बाद सैलरी इनकम में आपने इसको नो करना है, क्योंकि आप सैलरी इनकम नहीं आपका इस, ये नो रहेगा आपका। अदर इनकम में आपने यस करना है, और बिजनेस इनकम में आपने लेस दैन 20 लाख टर्नओवर पे क्लिक करना है, और इज़ योर एनुअल इनकम मोर देन 2,50,000 है तो यस करना, अगर नहीं है तो उसको नो करना है। उसके बाद अपने यहाँ से कंसेंट देके इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये पेमेंट मांगेगा, 62 रुपीज़ की आपकी पेमेंट डिडक्ट होगी सीएससी वॉलेट से। उसके बाद ये फाइल आपका सबमिट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद जो मैंने आपको एक मोबाइल नंबर शेयर किया, उस मोबाइल नंबर से आपको टेक्स्ट टू बिन के मोबाइल नंबर से आपको एक कॉल आएगी वेरिफिकेशन के लिए। उसमें आपको एक ओटीपी वगैरह आएगा, वो ओटीपी बताना होगा और वो आपको सारा प्रोसेस बता देंगे, वो फिर फाइल सबमिट कर देंगे आपकी। अगर ज़्यादा क्वेरी हुई तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? थैंक यू।